गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बृहस्पतिवार को निकाली गई ट्रैक्टर रैली में 40 से अधिक ट्रैक्टरों पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस यात्रा में सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों पर गन्ने लगाकर चल रहे थे। ये यात्रा मनकरा मोड़ से शुरू होकर दलपतपुर से होती हुई वापस मनकरा मोड़ के समक्ष पहुंची। भाकियू के वरिष्ठ पदाधिकारियों के आह्वान पर ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। इसके पीछे किसान सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कहना है कि हमारे किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे किसानों की गन्ने की पेमेंट जल्द से जल्द दिलाई जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में भारतीय किसान यूनियन एक विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। आज हमारा माननीय राकेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके आदेश अनुसार किसान यात्रा निकल रही है, किसान तिरंगा यात्रा। और इसका उद्देश्य है केवल सरकार को जगाना, जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है उसको याद दिलाना। यदि सरकार अब भी नहीं जागती है तो गाजीपुर बॉर्डर से भी अधिक प्रबल आंदोलन सरकार के विरोध में होगा। आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हम गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत कर रहे हैं कि सरकार हमारे विरोध में बहुत ही गलत कानून लाने जा रही है। अभी आपने सुना होगा रामपुर का चमरुआ ब्लॉक और आपका सैदनगर ब्लॉक और शाहबाद ब्लॉक के कुछ गांवों को आदेश कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि तुम्हारे की धान की जो फरवरी में धान लगने वाला धान है उस धान को आप नहीं लगा सकते। अगर किसी ने लगाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे पास उसकी लेटर की कॉपी भी है, चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक रैली निकल गया? ये रैली मनकरा मोड़ से हम सारे किसान इकट्ठे होंगे और शांति तरीके से शहीद स्मारक दत्ता घाटी तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस।